गाइज, आप लोगों का बहुत टाइम से इंतजार था कि सर टेक महिंद्रा में जॉब कैसे पाएं, तो आज वो इंतजार खत्म। आईटी और बीपीएस दो टाइप की जॉब है यहाँ पे टेक महिंद्रा में, ठीक है। तो पहले आईटी जॉब की बात कर लेते हैं। टेक महिंद्रा एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और मैं बता दूं, पहले तो ये देखो, टेक महिंद्रा की वेबसाइट पे लिखा है अटेंशन टेक महिंद्रा जॉब पोस्टिंग एप्लीकेशन स्कैम अलर्ट, कि मतलब आप लोग जो फ्रॉड बनाते हैं बताते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी के लिए पुणे में लोकेशन है, आईटी लीड के लिए है, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। और ये देखिए, बहुत सारे जॉब है, ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब नहीं है, बहुत सारे जॉब है और हाई पेड सैलरी जॉब है ऐसा टेक महिंद्रा में। किसी भी देखो, टेक महिंद्रा में आपको सबमिट करने के लिए पहले तो अपना नेम, लास्ट नेम, रेजिडेंस, एक्सपीरियंस, ईमेल, इंडस्ट्री, फाइल, कंट्री कोड सबमिट कर दोगे, यहाँ आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, किसी जॉब पे मैं क्लिक करके देखता हूँ कि जैसे यहाँ 1 ईयर, टू कितने ईयर मांगा एक्सपीरियंस, 1 साल से लेके 15 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जॉब समरी देख लो, टू डिजाइन डेवलपर इंटरनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम बेस्ड यूजर, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे डिजाइन करना होगा। लोकेशन जो है पुणे का है। जॉब जो पोस्ट किया गया 5/1/2024 को हुआ है, 13/4/2024 को एक्सपायर हो जाएगा। डोमेन आईटी है, सैप क्लाउड प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन डेवलपमेंट है, सैप के लिए आईटी का वर्क होता है। और यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पहले आपको रजिस्टर करना होगा, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूजर टाइप, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। रजिस्टर करने के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो टाइप की जॉब है। पहला मैंने आईटी टाइप की जॉब बताया। आईटी टाइप की जॉब में जितना भी जॉब चाहो आप, जितनी ये ओपनिंग्स है अभी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, बैंगलोर में है बहुत ज्यादा, डेनवर में है, उसके बाद डलास में है, पुणे में है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है। अब बीपीएस की जॉब देख लेते हैं। बीपीएस की जॉब बेसिकली देखो, ये जो जॉब होती है आप टेक महिंद्रा में कभी भी ले सकते हो। टेक महिंद्रा में इस टाइप की जॉब आपको हमेशा मिलती रहती है। इसमें आपको देखो, सबसे पहले अपना रिज्यूम और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना है। रिज्यूम और रजिस्ट्रेशन में अपना फर्स्ट नेम लिख देना है, और उसके बाद लास्ट नेम में अपना डाल देना है, कंट्री और रेजिडेंस, भाई आप कहाँ के हो, इंडिया के हो, इंडिया डाल देना है, एक्सपीरियंस इन ईयर, जैसे आप फ्रेशर हो। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रेशर्स के नहीं लेने था, आप यहाँ डालो ना अपनी ईमेल आईडी, कैंडिडेट डालो, उसके बाद यहाँ अपना रिज्यूमे अपलोड करो, सेलेक्ट कंट्री कोड है और मोबाइल नंबर उसका सबमिट करो। उसके बाद क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे दोनों टाइप की जॉब, आईटी जॉब और बीपीएस की जॉब मैंने बता दी। इसके बाद जो टीम है, एचआर टीम, वो आपसे कनेक्ट करेगी, आपका रिज्यूमे देखेगी। अगर रिज्यूमे उनको सही लगा भाई कि ये रिज्यूमे सही है और यहाँ पे हमें आना चाहिए, तो यहाँ से आपका रिज्यूमे देख करके आपको ऑब्वियसली जॉब मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, टीम लीड हैं और सारी चीजें हैं, तो ये टीम लीड के लिए भी है, और रिकमेंडेड टू अ फ्रेंड है, मतलब कि अपने किसी फ्रेंड को भी आप रिकमेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यू का प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है भाई। टेक्निकली आपको गुड साउंड करना पड़ेगा, टेक्निकली आपको चीजें पता होनी चाहिए, टेक्निकली आप जब चीजें जानोगे तो यहाँ पे चीजें आपके लिए बेहतर होगी। तो टेक महिंद्रा के लिए देखो, पहले तो रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। उसके बाद फिर किसी भी जॉब पे पहले तो आप अप्लाई जरूर कर दो, ठीक है ना। अप्लाई जरूर कर दोगे तभी जाके रहे। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने का भी है टेक महिंद्रा में, ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेक महिंद्रा में सीख सकते हो, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए कल्चर आप टेक महिंद्रा में देख सकते हो काफी अच्छा है। लाइफ एंड टेक कल्चर, ऑब्वियसली फ्यूचर स्किल्स के बारे में सिखाते हैं यहाँ पे। बहुत सारी लेटेस्ट चीजें हैं, सर्विसेज हैं जो आपको नहीं पता होती हैं कि कैसे डील की जाती हैं, कैसे ये सारी चीजें होती हैं। क्लाउड सर्विसेज हैं और नेटवर्क सर्विसेज है, सैप है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको 4G 5G रैन सर्विसेज है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, कैसे चीजें काम करती हैं, आप सीख सकते हो। तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है देखो टेक महिंद्रा में जॉब के लिए। अब मैं देखो कुछ नहीं, ये लिंक जो ये वाली लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप पहले अप्लाई तो कर ही दो। जितने भी लोग हैं आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आईटी में जॉब करना चाहते हो, बीटेक, पॉलिटेक्निक, जो भी आपने किया, बीसीए, बीबीए, एमबीए, अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो पहले तो अप्लाई ही कर दो, ठीक है। वीडियो में इतना ही, और जो लोग चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल पे नया है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।